नमस्कार स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं और अपने सिलेबस की तैयारी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज प्रश्नावली 10.4 का सवाल नंबर 6 दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह से 0 दिया है, इस तरह से 0 दिया है, तो ए और बी के बारे में आप क्या सोचेंगे। मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब दोनों का वैल्यू 0 है तो आप दोनों के बारे में अलग अलग क्या सोचोगे, एक ही चीज़ में क्या सोचोगे, वो बात आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ सर, बहुत अच्छी बात बताया आपने। देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तब हम ये सोचेंगे कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, ठीक है। ए और बी क्या आपस में लंबवत है। जब डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 दिया हो तो मुझे लंबवत सोचना है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 दिया हो तब मुझे क्या सोचना है, तब मुझे ए और बी के बारे में ऐसे सोचना है कि वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, समांतर है। तो इसके अनुसार मैंने ये सोचा, इसके अनुसार मैंने ये सोचा। तो यहाँ पर यही कहना चाहता था प्रश्न वाला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो निष्कर्ष यही निकला, भैया ये दशा में लंबवत, इस दशा में ये दोनों समांतर हैं। बस इतना सा ही लिखना था।